The lawyer of slain gangster Atiq Ahmed has been arrested by the Uttar Pradesh police in connection with the killing of Umesh Pal, who was a key witness in the killing of former BSP legislator Raju Pal. Police also say that the lawyer Vijay Mishra had given the shooter Umesh Pal's location in the murder case in which Atiq Ahmed was also an accused. A video of the killing of Umesh Pal, remember, in broad daylight had gone viral on social media and it raised questions about law and order in Uttar Pradesh. आज दिनांक 30/7/23 को थाना दुगमगंज पुलिस टीम के द्वारा अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड में वांछित अभियुक्त विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शनिवार देर रात लखनऊ के एक 5-स्टार होटल से UPSTF और प्रयागराज पुलिस ने मिलकर एडवोकेट विजय कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी उमेश पाल हत्याकांड के मामले में हुई है। उन पर आरोप ये है कि उन्होंने शूटरों को उमेश पाल की लोकेशन शेयर की थी। इसके अलावा वो अतीक अहमद के भाई अशरफ से बरेली जेल में कई बार मिले थे और उन्होंने हत्याकांड की प्लानिंग की थी। तो उन पर उमेश पाल की हत्या के साजिश के आरोप हैं और इसी मामले में पुलिस उनकी लगातार तलाश कर रही थी, लेकिन बीती रात उन्हें लखनऊ के एक 5-स्टार होटल से गिरफ्तार किया गया। एडवोकेट विजय कुमार मिश्रा प्रयागराज के रहने वाले हैं और जाने माने वकील हैं। वो अतीक अहमद के बेहद करीबी हैं और उनके परिवार के लगभग सभी केस जिला अदालत और हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन उनका नाम इस हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आया। इसके साथ ही उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने मई के महीने में एक प्लाईवुड कारोबारी जो कि प्रयागराज का ही रहने वाला है उससे अतीक अहमद और अशरफ के नाम से 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी और इसका ऑडियो वायरल हो गया था। इसके बाद प्रयागराज पुलिस ने उनके खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया है। तो ये भी उन पर एक केस है और दूसरा जो सबसे बड़ा केस है वो उमेश पाल हत्याकांड का है जिसको लेकर उनकी तलाश की जा रही थी। ये भी उन पर आरोप है कि जिस दिन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में हत्या हुई उस वक्त भी वो उसी लोकेशन के आसपास थे। तो इस तरह से एडवोकेट विजय कुमार मिश्रा को अतीक अहमद के परिवार का बेहद करीबी मानते हैं और उनके लगभग सभी केसों की पैरवी वही कर रहे थे। अभी हाल में अतीक अहमद के जो बच्चों की कस्टडी है वो उन्होंने मांगी थी और कहा था कि जो अतीक अहमद के बहनोई हैं उनको उनके दोनों बच्चे सौंप दिए जाएं जिससे वो उनकी परवरिश करें। तो अतीक अहमद के लगभग सभी मामले वो अदालतों में लड़ रहे थे, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में उनका नाम आने के बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही थी और बीती रात लखनऊ के एक 5-स्टार होटल से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभी उनसे लगातार पूछताछ चल रही है कि आखिर किस तरह से वो उमेश पाल की हत्या की साजिश में शामिल हैं और कौन कौन इसमें लोग और हो सकते हैं। तो इसको लेकर उनसे पूछताछ चल रही है और उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।